मीडिया की जानब से ये बताया गया है कि हमास ने मजीद ग्यारह यरगमाली रिहा कर दिए हैं रिहाई पाने वाले ग्यारह अफराध इसराइली हुकाम के हवाले कर दिए गए रिहाई पाने वाले तमाम यरगमाली दोहरी शहरीत रखते हैं ऐसा बताया गया है आलमी मीडिया की जानब से तीन फ्रांसीसी दो जर्मन और छह अर्जेंटीना के शहरी शामिल हैं आलमी मीडिया की जानब से तफसीत फ्राहम की गई है कि हमास ने मजीद ग्यारह यमालियों को तो रिहा कर दिया है और रिहाई पाने वाले ग्यारह अफराद को इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया गया है अकोली मुतहदा के सेक्रेटरी जर्नल हमास इसराइल जंग बंदी के कम मुद्दती वक्फे से मुतल ख़बरदार कर दिया जंग बंदी में तोसी फ़लस्तियों को इमदाद की फरहमी के लिए इंतहाई कम है उन तोनी का ये कहना है जंग बंदी का ये वक्फ़ा अम की एक झलक है ना ही हल अको मुतहद का गजा में बर वक्त इमदाद मुंतिल के लिए मजदूद राहदारी खोलने पर भी जोर और अकोम मुतहदा के सेक्रटरी जर्नल हमास इसराइल जंग बंदी के कम मुद्दती वकफे से मुतल भी खबरदार कर दिया है वो कहते हैं कि जंगबंदी में तोसी फलस्तीनियों को इमदाद की फराहमी के लिए इंतहाई कम है गजा की सूरत हाल बहुत संगीन हो गई है तर्जुमान यूनिसेफ का ये कहना है अस्पतालों में बच्चों के लिए मजदूर इलाज की जगह नहीं है पंद्रह लाख अफराद बेघर हो चुके हैं मुतद बच्चे वालदेन को खो चुके हैं हर बच्चे को नफसियाती इलाज की ज़रूरत है तर्जुमान यूनिसेफ की जानब से ये बताया गया है कि ग़ज़ा की सूरत हाल बहुत संगीन हो चुकी है अस्पतालों में बच्चों के मज़ीद इलाज के लिए जगह नहीं है जबकि पंद्रह लाख अफराद बेघर हो चुके हैं मुतद बच्चे अपने वाले को खो चुके हैं और हर बच्चे को तो नफसियाती इलाज की ज़रूरत है और अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए कोई जगह नहीं है सूरत हाल संगीन हो गई है तर्जुमान यूनिफ़ का ये बताना है कि गज़ा के अस्पतालों में बच्चों के मज़ीद इलाज की जगह नहीं पंद्रह लाख अफराद बेघर हो चुके हैं और आपको इस हवाले से मजीद बताएं कि उनका यह भी बताना है कि मुतद बच्चे वाले को खो चुके हैं और हर बच्चे को नफसयाती इलाज की ज़रूरत है